मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। नागरिकता संशोधन बिल को लेकर पूरे देश में घमासान मचा हुआ है। एक तरह से कह सकते हैं कि पूरा देश इस नागरिकता संशोधन बिल को लेकर सड़कों पर उतर चुका है। इसी तरह मुंब्रा के शहर में भी कौसा कब्रस्तान से लेकर मुंब्रा स्टेशन एम गेट तक जो है आज एक विरोध प्रदर्शन किया गया नागरिकता संशोधन बिल को लेकर। इस संशोधन बिल के जरिए 31 दिसंबर 2014 के पहले जितने भी पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से शरणार्थी आए हैं उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें धर्म की बात को लेकर जो है अब सवाल खड़े हो रहे हैं और इस धर्म के लिए कहीं ना कहीं जो है अल्पसंख्यकों के लिए ये बिल हित में नहीं है। इसके लिए विरोध का सुर पूरे भारत में उठ रहा है। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर अल्तमस फैजी, हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से ये बिल जो अब लागू किया गया है, इस बिल को लेकर आखिर मुसलमान इतना फिक्रमंद क्यों है? हाँ, पहले तो मैं बता दूं कि ये बिल अब नहीं, ये एक्ट हो गया है, CAA हो गया है, ठीक है, CAB नहीं है, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल नहीं है। जब बिल अब एक्ट में कन्वर्ट हो चुका, वो एक्ट बन चुका, अब इसके लिए क्यों है कि देखिए, खुद अमित शाह ने कुछ दिन पहले हिंट्स दिया था आसाम के अंदर कि आप जो डिटेंशन कैंप में जाने वाले थे कि आप लोग घबराइए नहीं, मैं एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेकर के आऊँगा। तो वो अमेंडमेंट बिल जो आज से तकरीबन 3-4 महीना कबल उन्होंने 5-6 महीने हो गए कबल बोला था, वो बिल आ गया उनका और एक्ट में कन्वर्ट हो गया, ताकि उन लोगों को, देखिए ये एक बहाना है कि वो कैसे होगा, जब बाहर से आने वालों को आप यहाँ का सिटीजनशिप दे रहे हैं तो यहाँ के लोगों का को जो यहाँ 20 साल से 25 साल से रह रहे हैं उनको आप NRIC के तहत कैसे बाहर भगा देंगे? मुमकिन नहीं है। उसमें नाम किसका नहीं है? सिर्फ एक मुसलमान का नाम सिर्फ नहीं है। सिर्फ इसलिए पूरा NRIC जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने के लिए, मुसलमानों को यहाँ से तंग करने के लिए और उनके लिए ये ज़मीन तंग करने के लिए ये बना है ये बिल, और इस बिल की हम पुरजोर मुखालफत करते हैं। लेकिन जो अमित शाह है वो तो सभा में कह रहे हैं कि कोई भी मुसलमान इस बिल को लेकर घबराए ना, चिंता ना करे। चिंता हमें करने की ज़रूरत नहीं है, देखिए हम तो चिंता कर भी नहीं रहे हैं, इतनी ताकत नहीं है उनकी भगा देने की। पहले तो हम डरते वरते नहीं हैं, हम तो ये अभी ये एजिटेशन शुरू हुआ है यहाँ से, हमारा अमेंडमेंट ऐसा आए कि अब जो है ना ऐसे लोग जो दागी लोग हों, कम पढ़े लिखे लोग हों, ठीक है, और ऐसे जिनका आउटफिट से ताल्लुक रहा है, RSS वाले लॉबी से ताल्लुक रहा हो, ऐसे लोग ना कभी यहाँ इस हिंदुस्तान में, एक ऐसा अमेंडमेंट आए कि वो चाहे वो मुसलमान के आउटफिट अगर ग्रुप कोई है अगर उससे हो, चाहे हिंदू के आउटफिट ग्रुप से हो, उनको कभी भी प्राइम मिनिस्टर पद नहीं मिलना चाहिए, प्रेसिडेंट का पद नहीं मिलना चाहिए, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं मिलना चाहिए, होम मिनिस्टर नहीं मिलना चाहिए, यहाँ इंटेलिजेंट लोगों की कमी नहीं है। इसलिए अब जो है ये अमेंडमेंट आने की ज़रूरत है। हम ये हिंदुस्तान एक्सपोर्ट खाली कर रहा है इंटेलिजेंट लोगों का, कहाँ, अमेरिका, जापान, स्वीडन, इंग्लैंड, हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। हमारे अच्छे लोगों को यहाँ पर बड़े बड़े पोस्ट पर होना चाहिए, तब ये देश जा कर के आगे बढ़ेगा और बहुत अच्छा तरक्की करेगा। जब तक ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी जैसे लोग अनपढ़ लोग रहेंगे, ये हमारे इकोनॉमी को ख़त्म करके चौपट कर देंगे और हिंदुस्तान में एक यानी खाना जंगी छिड़ेगी और ये टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। हम टुकड़े नहीं होने देना चाहते, हम ही लोग हैं जो कुर्बानियों से इस मुल्क को बड़े मुश्किल से टुकड़ों को एक जगह जमा किया था और हमने कुर्बानियाँ दी हैं। अब हम आइंदा टुकड़े नहीं होने देंगे, ऐसे लोगों को अब भगा के रहेंगे, सत्ता से हटा के हम रहेंगे। अच्छा, जिस तरह से ये बिल लाया गया, कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं, तो बिल लाया गया ऐसे में, तो ऐसा में ये सवाल उठ रहे हैं कि लोगों को गुमराह भी किया जा रहा है, एक तरफ भारत की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है, ऐसे में बिल पे बिल लाया जा रहा है। जी देखिए, ये पूरा का पूरा गुमराही किया जा रहा है। देखिए, इनकी अर्थव्यवस्था ये संभालने की ताकत नहीं है। मनमोहन सिंह जी ने कई बार इनको दे दिया कि अब जो है बहुत नाजुक हालत में है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा 4.5 GDP नहीं है, सही मानों में ये जो है 1.5 GDP हो चुकी है, ये बुरे हालत में है। ये ऐसा हालात पैदा कर करके अपनी जो ख़राब हालत ये है वो छुपाने की कोशिश करेंगे, बाद में ठेकड़ा फोड़ेंगे। हिंदुस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था इसलिए हिल गई कि एजिटेशन हुआ और इसलिए कर जल गए, पूरा ठप हो गया हिंदुस्तान, इसलिए ताकि वो
ठिकड़ा फोड़ा जाए इसके ऊपर, और इसीलिए हंगामा आशरात वो चाहते हैं जानबूझ करके, इसलिए ये वो बिल लाए हैं। तो जिस तरह से आपने सुना जो डॉक्टर अल्तमस फैजी थे, इन्होंने जो है तमाम जो है आरोप लगाए हैं। फिलहाल और भी हमारे साथ यहाँ पर जो है प्रदर्शनकारी मौजूद है, हमसे बात करते हैं कि आखिर जो नागरिकता संशोधन बिल है इसको लेकर जो है उनका क्या कहना है। देखिए जिस तरीके से ये बिल हम लोगों पर थोपा जा रहा है, ये बिल जिस तरीके से एक RSS की पॉलिसी के तहत हम लोगों पर थोपा जा रहा है, आप देख रहे हो कि पूरे हिंदुस्तान में इसका विरोध किया जा रहा है, और सिर्फ हम नहीं, हमारे जो गैर कौम के भाई लोग हैं वो भी इसके विरोध में है। ये देश को बांटने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि आपने पहले भी सुना कि इस देश को जोड़ने के लिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी, तब जा करके ये देश कहीं एक हुआ है, और आज इसको जिस तरीके से तोड़ने की कोशिश की जा रही है उसके खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि कभी भी संविधान के अंदर कोई भी एक्ट को बदला नहीं जा सकता, फिर भी RSS के कुछ लोग अपनी पोस्ट का गलत फ़ायदा उठाते हुए, जिनको हमारी आवाम ने चुन के दिया, उसका गलत इस्तेमाल करते हुए उन पावर्स का कुछ एक्ट को बदलने की कोशिश कर रहे, उसके खिलाफ आज आवाम सड़कों पर है कि हम संविधान को बदलने नहीं देंगे। जिस तरीके से जो हमारा आईन है, जिस उसकी खूबसूरती है सबका मिल के रहने की, हम वैसे ही रहेंगे, हम कोई एक कम्युनिटी को कभी टारगेट नहीं करेंगे। जिस तरह से दूसरी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो भारत आते हैं तो उनको नागरिकता दी जाएगी, लेकिन उसमें मुस्लिम का जिक्र नहीं है, इस पर भी तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, खासतौर पर इसी को लेकर विरोध हो रहा है। ये मानसिकता की बात है, आप जानते हो कि वो कौन से लोग हैं, ये गांधी के लोग नहीं है, ये सावरकर और गोडसे के लोग हैं, तो इनकी जो मानसिकता पहले से यही है, आज़ादी से पहले भी इन्होंने यही काम करने की कोशिश की, टू नेशन थियरी पे काम कर रहे थे, ये आज भी वही थियरी पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके तहत इन लोगों ने एक कम्युनिटी को टारगेट किया। और देखिए इनकी सोच यहाँ तक नहीं है, ये उस वक्त भी हिंदुओं के साथ भी नहीं थे, ये आज हम लोगों को पहले टारगेट कर रहे हैं, उसके बाद देखिए ना, जब इन लोग कहीं पहले मुश्किल है लेकिन फिर भी कभी ये कामयाब हुए तो ये हमारे बाद दलित भाइयों को या दूसरी कास्टों को टारगेट करेंगे, तो इसके लिए आज हम सड़कों पर, हमारे साथ पूरी आवाम सड़कों पर है, हर कास्ट के लोग सड़कों पर है कि हम इसके खिलाफ है, हम देश को बंटने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे, और ये जो पहले से अंग्रेज़ों के गुलाम लोग थे, जो उनके इशारों पे कुछ अपने मफवाद के लिए हम लोगों को तोड़ने की कोशिश करते थे, आज उनको हम 100 साल बाद भी कामयाब नहीं होने देंगे, और आने वाली नस्लें इनको 1000 साल बाद भी कामयाब नहीं होने देंगे, उसका जवाब हम इनको इस बार देंगे इंशाल्लाह। जिस तरह से नागरिक संशोधन बिल है इसको लेकर लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, जिस तरह से आप नागरिकता संशोधन बिल पर जो है आप लोगों का किस तरह से, देखिए एक चीज़ बता दें, टू नेशन बिल का जो सवाल था ये 1935 में सावरकर का सिद्धांत है, और आपने देखा होगा जिस तरह से जिन्ना का समर्थन लोगों ने किया था, जिन्ना का समर्थक अडवाणी जी जाकर के उनके मजार पर फूल चढ़ाते हैं, और उन्हीं के पार्टी का जब गृह मंत्री बनते हैं तो उस चीज़ को लागू करते हैं कि टू नेशन, ये भारत को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, ये सिर्फ धर्म का नाम लेकर के मनुस्मृति लाना चाहते हैं, भारत के संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, इनकी भारत की संविधान की आत्मा पर चोट किया है, और इनका मकसद कुछ और है, इनका मकसद है कि इसको भारत को, जब यह मुगलिया सल्तनत ने इसको भारत को पूरा बर्मा से लेकर के पाकिस्तान पूरा बहुत बड़ा शक्तिशाली देश था, उस वक्त 27% GDP हुआ करते थे मुगलों के शासन में, आज 2% हो गई है, ये जब धार्मिक लोग जब इस तरह के होंगे, बार बार संविधान में साफ कहा गया है कि 14 में संविधान की धारा 14 में कहा गया है कि समानता का अधिकार होगा, किसी धर्म के नाम पर कोई काम नहीं होगा, और ये धर्म के नाम पर लाने का मकसद है कि धीरे धीरे इनकी कोशिश है कि हिंदू राज करना और मनुस्मृति लागू करना, और मनुस्मृति लागू होगी तो वो पहली वर्ण व्यवस्था पहला उसमें लिखा हुआ है कि शूद्र पैर से पैदा है, क्षत्रिय सीने से पैदा है, और ब्राह्मण सर से पैदा है, और पेट बनिए से पैदा है, बनिया पेट से पैदा है, यही लागू करेंगे और फिर हिंदुस्तान को गुलाम करेंगे, ये गुलाम होने हम लोग नहीं देंगे, हिंदू मुस्लिम मिल करके फिर आजादी की लड़ाई लड़ेंगे और भाजपा से आजाद कराएंगे। तो आपने सुना कि जिस तरह से ये प्रदर्शनकारी थे यहाँ पर, जो नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ जो है यहाँ सड़कों पर आज उतरे थे, और यहाँ पर अपनी अपनी बात इन्होंने रखी है, इन लोगों का साफ कहना है कि जो BJP सरकार ने नागरिकता संशोधन बिल जो पास किया है, इस बिल को इन लोगों का रिजेक्ट करने की मांग है। तो कैमरामैन रहमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, बुमरा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।